बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नाबूदु व इयाका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, कल इंशाअल्लाह जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरमन एहतजाज करना है। और इमरान ख़ान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई, और इमरान ख़ान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आइनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरेंगी। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं, कि मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करें जो इस मुल्क की आवाम की मफाद देनी है, जो पाकिस्तान के मफाद देनी है। आप जवाब दें हैं, इन फैसलों का आपको जवाब देना पड़ेगा, और इन फैसलों से जो भी नुकसान हो रहे हैं, चाहे वो आवाम को हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को हो रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होगी। इंशाल्लाह हम हक के साथ, सच के साथ, अपनी हकीकी आज़ादी के साथ, अपने आइन के तहफ़ के लिए इंशाल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर में पुरमन तरीके से निकल के इस एहतजाज के लिए पुरजोर अपील कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि आपने भरपूर तरीके से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि आप एक ज़िंदा कौम हैं, आप आज़ाद हैं इंशाल्लाह, और अपने हक के लिए आप खड़े हैं। आपका शुक्रिया।